आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन दिया गया है, अ टारगेट एलिमेंट ए इज बॉम्बार्डेड विद इलेक्ट्रॉन्स ऑन द वेवलेंथ्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम आर मेजर्ड। अ सेकंड कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड बिकॉज ऑफ एन इंप्यूरिटी इन द टारगेट। द वेवलेंथ्स ऑफ द K alpha lines are 196 picometer element A and 169 picometer impurity. If the atomic number of impurity is Z equal to 10 lambda minus 1, find lambda. Atomic number of element given is 27. तो यहाँ पे कहा गया है कि एक target element A है जिसे इलेक्ट्रॉन से बॉम्बार्ड किया गया, जिसकी वजह से characteristic spectrum पाया गया है। अब क्योंकि टारगेट एलिमेंट में एक इम्प्योरिटी भी था, जिसकी वजह से एक दूसरा कैरेक्टर स्पेक्ट्रम भी आया है, तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है रिगार्डिंग ऑल दिस, और हमें इम्प्योरिटी का एटॉमिक नंबर निकालना है। तो पहली बात तो है, इस क्वेश्चन के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो है मोज़ेलिस लॉ। क्या कहता है मोज़ेलिस लॉ? कहता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय z माइनस 1 होल स्क्वायर। तो जो कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम का वेवलेंथ है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर माइनस 1 होल स्क्वायर। तो यहां से हमें क्या पता चलता है, यहां से हमें पता चलता है कि फॉर टारगेट एलिमेंट ए लैम्डा 1 इज प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल ना लिख के इसे हम कांस्टेंट के टर्म्स में लिख सकते हैं, जेड क्या है 27 माइनस 1 होल स्क्वायर। अब फॉर इम्प्योरिटी लैम्डा 2 इक्वल टू के बाय जेड ऑफ इम्प्योरिटी दिया गया है 10 लैम्डा माइनस 1, तो 10 लैम्डा माइनस 1 माइनस 1 होल स्क्वायर, ये कितना आता है k by 10 lambda minus 2 whole square। अब हमें दिया गया है lambda 1, हमें दिया गया lambda 1 equal to 196 picometer, और lambda 2 दिया गया है, कितना दिया गया है 169 picometer। तो अगर हम lambda 1 by lambda 2 का ratio ले तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा k by 26 square into 10 lambda minus 2 whole square by k। यहां से क्या मिल रहा है हमें, 196 by 169 equal to 10 lambda minus 2 whole square by 26 square। अब अगर दोनों तरफ रूट ले तो क्या आएगा, 14 by 13 equal to 10 lambda minus 2 by 13। तो यहां से क्या मिल रहा है, 10 lambda, सॉरी यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, ये 13 नहीं, ये 26 आएगा, तो ये 2 हो जाएगा। अब ये 2 इस तरफ ले जाए तो 28 इक्वल टू 10 lambda माइनस 2, यहां से क्या आ रहा है lambda इक्वल टू 3, तो lambda इक्वल टू 3 मिल रहा है। ये है द फाइनल आंसर। अब जो इम्प्योरिटी एटम है वो क्या है वो भी एक बार देख लेते हैं। इम्प्योरिटी एटम का जो z था एटॉमिक नंबर वो था 10 lambda माइनस 1, यानी 10 इंटू 3 माइनस 1 यानी 29। तो 29 किस इम्प्योरिटी का होता है, 29 इज कॉपर, तो हियर कॉपर इज द इम्प्योरिटी एंड द फाइनल आंसर इज 3। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।